सब्सक्राइब करें टेक्नो ब्लॉगर एंड हिट नोटिफिकेशन बटन टू स्टे अपडेटेड। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज ऋषभ जयसवाल एंड यू आर वाचिंग टेक्नो ब्लॉगर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले कुछ कमाल के लेटेस्ट टेक न्यूज के बारे में, तो बिना कोई और टाइम वेस्ट किए सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जो हमारा पहला टेक न्यूज़ है वो YouTube के एक न्यू फीचर के बारे में, जहाँ पे YouTube इसमें अभी काम कर रहा है। जैसे कि आपने Instagram में देखा होगा कुछ बिजनेस प्रोफाइल्स में कि अगर कोई भी प्रोडक्ट किसी फोटो में रहता है तो उसमें कभी कभार प्राइस शो करता है और आप प्राइस पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट को एक्चुअली में खरीद सकते हो Instagram के शॉप सेक्शन से। जहाँ पे इसी तरीके से आपको यूट्यूब में भी इन फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है। जैसे कि वीडियो में जो भी प्रोडक्ट्स होगा, अगर वो यूज़र सेल कर रहा है तो आप उस वीडियो से ही उस प्रोडक्ट को चूज़ करके खरीद सकते हो। ऐसा ही कुछ सिस्टम होने वाला है, या मे भी हो सकता है कि अगर कोई अनबॉक्सिंग कर रहे हैं तो जो भी प्रोडक्ट्स को शो किया जा रहा है, या मे भी लाइक वीडियो में कोई भी प्रोडक्ट्स को शो करना चाहते हैं या एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट को आप वहीं पे उसी पेज से यूट्यूब के ऐप के अंदर से ही खरीद सकते हो। तो अभी ये US में टेस्टिंग चल रहा है और हमें बहुत जल्द यूट्यूब के ऐप में फीचर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है जियो फोन यूज़र्स के लिए, जहाँ पे एक 153 वाला प्रीपेड प्लान था जिसको अभी जियो बंद कर रहा है, बट जो 185 का प्लान था, 155, 125, फिर जाके 75 के जो भी प्लान थे वो अभी तक अवेलेबल है। बस 153 वाले प्लान को जियो फोन यूज़र्स के लिए बंद कर दिया गया अभी फिलहाल। जहाँ पर उसके जो हमारा अगला न्यूज़ है वो एप्पल के मैकबुक प्रो 2021 लाइनअप के बारे में, यहाँ पे कुछ लीक यहाँ निकल के आ रहा है। जैसे कि हमें उसमें एक फ्लैट एज डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है, फिर जाके उसमें जो मैकबुक्स में टच बार होता है उसे रिमूव कर दिया जा रहा है इस मैकबुक से, जहाँ पे उसके बाद आपको इस मैकबुक में मैग सेफ देखने को मिलने वाला है। जैसे आपको आईफोन 12 सीरीज में देखने को मिला था, एक मैग्नेटिक चीज़ था जो पीछे अटैच होकर चार्ज कर रहा था, आप अलग अलग एसेसरीज को कनेक्ट कर पा रहे थे, तो वैसे मैग सेफ का कुछ मैग्नेटिक सिस्टम आपको इस मैकबुक में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे इसका 14 इंच और 16 इंच दोनों ही वेरियंट्स लॉन्च होंगे और ये हमें थर्ड क्वार्टर में इसी साल का लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकता है एप्पल की तरफ से। तो काफ़ी कुछ कमाल होने वाला है और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होने वाला है, क्योंकि एप्पल का खुद का बायोनिक चिप के साथ ही हमें देखने को मिलेगा। जहाँ पर इसका जो हमारा अगला न्यूज़ है वो सैमसंग गैलेक्सी A52 फ़ोन के बारे में है, जहाँ पर इसका प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट हो चुका है और ये हमें 4G वेरियंट के साथ साथ में हमें इसका 5G वेरियंट भी देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हमें ये फर्स्ट क्वार्टर में इसी साल का लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकता है सैमसंग की तरफ से। तो ये भी कुछ काफ़ी कुछ कमाल फ़ोन होने वाला है, अभी तक एग्जैक्टली कुछ प्राइसिंग स्पेसिफिकेशन हमें पता नहीं चला है, तो देखो आखिर सैमसंग इसे कब तक एग्जैक्टली लॉन्च करता है इंडिया में। जहाँ पर इसका जो हमारा अगला न्यूज़ है वो लैंडलाइन टू मोबाइल कॉल्स के बारे में है, जहाँ पे पहले अगर आपको लैंडलाइन से किसी मोबाइल नंबर पे कॉल करना रहता था तो आप जस्ट मोबाइल नंबर डायल करते थे तो कॉल हो जाता था। फिर गवर्नमेंट ने कुछ इंट्रोड्यूस किया था कि अगर आप लैंडलाइन से मोबाइल नंबर पे आपको कॉल करना है तो आपको 0 आगे प्रीफिक्स में लगाना होगा, तो वो सिस्टम अभी स्टार्ट हो चुका है। तो अब अगर आपको कोई लैंडलाइन से एक मोबाइल नंबर पे कॉल करना होगा तो आपको आगे एक 0 प्रीफिक्स लगाना ज़रूरी हो गया है। जहाँ इसका जो हमारा अगला न्यूज़ है वो नेटफ्लिक्स से कुछ ऑडियो ट्यूनिंग के बारे में है, जहाँ पे ये सिर्फ एयरपॉड्स प्रो और एयरपॉड्स मैक्स यूजर्स के लिए ही है, जहाँ पे ये जो डिवाइस है इसमें कुछ अलग सिस्टम है तो उसके हिसाब से नेटफ्लिक्स कुछ चेंजेस कर रहा है, जहाँ पे ये जो यूज़र है और ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस पा पाएंगे नेटफ्लिक्स का कंटेंट का, उन्हें और थोड़ा बेहतर 3D ऑडियो टाइप या सराउंडिंग साउंड टाइप का सिस्टम इस डिवाइसेस में देखने को मिल जाएगा। तो अभी सारे डिवाइसेस के लिए अवेलेबल नहीं है, ऑब्वियसली जिस डिवाइस में सपोर्ट करता है उसी डिवाइसेस के लिए है, बट इन फ्यूचर में अगर कोई अलग ब्रांड भी कुछ वैसा सिस्टम लेके आता है जैसे हमें एयरपॉड्स प्रो या एयरपॉड्स प्रो मैक्स में देखने को मिलता है, तो हमें उसमें भी इसी टाइप का नेटफ्लिक्स का स्पेशल इफेक्ट्स देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे इसका जो हमारा अगला न्यूज़ है वो एक व्हाट्सएप की न्यू फीचर के बारे में है, जहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि एक चैट को आपको बाद में रीड करने के लिए रखना है, जैसे कि आप इसे बाद में रीड करना चाहते हो पर आपको उसे लाइक करके या जो स्टार करके होता है वैसे सेव नहीं करना परमानेंटली, बस आपको एक बार रीड करने के लिए उसे सेव करके रखना, तो ये एक न्यू फीचर मिल रहा है जहाँ पे अभी आप एक पर्टिकुलर चैट को सेलेक्ट करके उसे रीड लेटर के लिए डाल सकते हो, तो आप बाद में भी जब भी आपको टाइम मिलेगा तब आप उसे रीड कर सकते हो। यहाँ पे इसके बदले जो आर्चीव का फीचर था जिसके कारण आप एक चैट को नीचे आर्चीव कर पाते थे, तो उसे इससे रिप्लेस कर दिया गया है। यहाँ पे दोनों में बस स्लाइटली डिफरेंस ही है, तो ज़्यादा कुछ बड़ा चेंज नहीं किया गया, बस मेनली आप बोल सकते हो कि नाम बदल दिया गया है आर्चीव का रीड लेटर से,
बट इसमें क्या है कि आप चैट जैसे रीड करोगे वो वापस ऊपर चला जाएगा। तो वैसे ही कुछ फीचर है, बट जहाँ पे हम इस टाइप के फीचर लेके क्या ही करेंगे जब यहाँ पे कुछ प्राइवेसी नाम का चीज़ है ही नहीं व्हाट्सएप का। यहाँ पे ये सब फीचर के बदले अगर व्हाट्सएप थोड़ा प्राइवेसी पॉलिसी पे ध्यान दे दे और उसे थोड़ा फिक्स कर दे तो शायद थोड़ा बेटर हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है नोकिया और गूगल के पार्टनरशिप के बारे में। यहाँ पे दोनों कंपनी मिलकर क्लाउड बेस्ड 5G नेटवर्क पे काम कर रही है, जिसके कारण आप जो क्लाउड स्टोरेज होता है आप उसको भी थोड़ा और बेहतर तरीके से एक्सेस कर पाओगे, सारा चीज़ थोड़ा और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और आपको थोड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा ये सारी चीज़ों को यूज़ करने में। तो ऐसा कुछ काम चल रहा है, तो देखो आखिर कब तक हमें ये सारे फैसिलिटीज़ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इसका जो हमारा अगला न्यूज़ है वो है व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, जहाँ पे फाइनली इंडिया ने कुछ लीगल एक्शन लिया है। जैसे कि इंग्लैंड को प्राइवेसी पॉलिसी फॉलो नहीं करना पड़ रहा है, तो इंडिया ने उस पर भी क्वेश्चन किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडिया को इसे फॉलो करना है बट इंग्लैंड फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ पे क्वेश्चन किया गया है। फिर व्हाट्सएप पे इसी प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर रिलेटेड भी लीगल एक्शन लिया गया है, तो देखो एक्चुअली कब तक ये पूरा सीन फिक्स होता है और हमें वापस पहले वाला व्हाट्सएप देखने को मिलता है। यहाँ पे इसका जो हमारा आखिरी न्यूज़ है वो है गूगल के बारे में, जहाँ पे गूगल कई सारे ऐप्स को रिमूव कर रहा है प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड, जहाँ पे इसमें मेनली पर्सनल लोन्स ऐप ही इंक्लूडेड है, व्हाट्सएप नहीं है। यहाँ पे जो भी ऐप्स कुछ ज़्यादा पर्सनल डेटा ले रहे हैं यूज़र से इसी लोन ऐप में, तो वो सब के अगेंस्ट गूगल लीगल एक्शन ले रहा है और कई सारे ऐप्स को प्ले स्टोर से रिमूव भी कर रहा है। तो देखो एक्चुअली ये चीज़ को गूगल कब व्हाट्सएप के साथ में करता है और उसके प्राइवेसी पॉलिसी को फिक्स करवाता है। तो फिलहाल यही सब थी पूरी कहानी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके थॉट्स सारे के सारे टेक न्यूज़ के बारे में, और हमारे चैनल का नोटिफिकेशन बटन दबा देना क्योंकि इस टाइप के कमाल के वीडियोज़ आते रहते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।